नमस्कार, वॉइस ऑफ एशियंस के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारी संस्था एशियन क्लब इंटरनेशनल और हमारे चैनल वॉइस ऑफ एशियंस के द्वारा आज 29वां राशन वितरण आयोजित किया गया लुधियाना में ही। तो इसमें हमने हमारे मेंबर्स को सभी को इनवाइट नहीं किया था, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा, मास्क लगाए प्रॉपर, और साथ ही साथ 17 के करीब महिलाएं जो है उनको आज 1 महीने का राशन दिया गया, जिसमें बहुत सी नीडी महिलाएं बहुत से घरों से थी। तो इसमें आज मुख्य तौर पर योगदान रहा राजा सगर जी का, अमरजीत सिंह जी का, अनीता शर्मा जी का और आकांक्षा सिंह जी का, ललिता लांबा जी का, ओपी मदान साहब का, ममता तलवार जी का, अंजू जी और दीप का। तो इनके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपको कुछ झलकियां दिखाना जरूर चाहेंगे हमारे डोनर्स को, खासतौर पर जिनकी वजह से ये संपन्न हो सका। जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने मास्क बनाना शहर की बहुत सेवा की है, और इनकी फ्रेंड ममता तलवार जी जो उड़ीसा से है उनका भी धन्यवाद। आरती जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सहयोग के लिए और सेवा के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता लांबा, मास्क मेकर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। मैं अपील कर दी हूँ सारे सोशल वर्करां कि जो भी इस मुहिम में साडे नाल शामिल होना चाहते हैं तो प्लीज़ जुड़ो, ताकि असीं वध तो वध लोगों की सेवा कर सकीए और वध तो वध असीं लोगों नूं राशन असीं प्रोवाइड करवा सकीए। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत इन्होंने सहयोग दिया आज हमें हमारे इस कार्य में। ओपी मदान साहब के हम बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें स्पेशली ये मैगजीन आज गिफ्ट किया है योग के ऊपर। हम भी योग भी करेंगे, करवाएंगे भी, लोगों को प्रेरित भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग कार्य के लिए और ये प्लांट एक के लिए। समाज सेवा करने वाले जो भी लोग ने जिन्हों का जो करना चाहते हैं वो ज़्यादा तो ज़्यादा इस महीने में साढ़े नाल जो है। हालांकि हर महीने ये हमारा प्रयास किया जाता है 12 महिलाओं के लिए, लेकिन इस बार 17 महिलाओं को राशन दिया गया। विभिन्न वस्तुएं थी उनके 1 महीने के लिए जो काम आ सकें। तो अगली बार अगले महीने हम मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली संक्रांत के समय। तो जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। तो आओ मिलकर सभी प्रे करें कि सारी दुनिया में से महामारी खत्म हो और सभी स्वस्थ हों और सभी की आयु लंबी हो। और साथ ही साथ आप सभी देखने वालों का धन्यवाद। ये पिक्चर्स, ये वीडियोस हम इसलिए बनाते हैं ताकि लोगों को प्रेरणा मिले और वो भी इस तरह से कोशिश करें कुछ नेक काम करने की। नमस्कार।